डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में आप पढ़ते हैं, वो संबंधित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है। तो आप सभी को बता दें, बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर, एमए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कब होंगी। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, वीडियो डेली आता है, काफ़ी बच्चे गुमराह ये हो जाते हैं कि वीडियो, आप वीडियो को पूरा ध्यान से समझा करिए, क्योंकि चैनल पर हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, जैसे कि बीबीएसयूपी के हैं, डीडी की भी हैं, आरएमएलयू के हैं, बरेली यूनिवर्सिटी के भी हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के भी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस चैनल पर हैं और सभी देखते हैं, तो सभी के कमेंट के अनुसार वीडियो बनाना पड़ता है। तो वीडियो जरूर ये समझने पहले कि किस विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, ये जो वीडियो है स्पेशली अवध विश्वविद्यालय संबंधित छात्रों के लिए है, बीए बीएससी बीकॉम यूजी स्तर के सेकंड ईयर थर्ड ईयर की परीक्षाओं को लेकर और एमए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परीक्षाओं को लेकर। सबसे पहले बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा था उसकी डेट जो है वो समाप्त कर दी गई है। अब काफ़ी बच्चे गुमराह हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। आपको बता दें, संभावित जो डेट है, विश्वविद्यालय द्वारा अभी परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जो भी सूचना मिल पाती है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के ऑफिस से या आप ये कह लीजिए एडीपी सेल से, तो वहाँ पर जो भी, जैसे कोई पेपर लेने जाता है कॉलेज का या फिर कोई और काम से जाते हैं, प्रिंसिपल जाते हैं या कोई और अधिकार मतलब गजेटेड ऑफिसर जाता है, तो वो ये जानकारी करता है कि जैसे परीक्षाएं फर्स्ट ईयर की 9 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर की कब होगी। तो संभावित जो डेट पता चल रही विश्वविद्यालय से कि 20 अप्रैल से संभावित परीक्षाएं कराई जाएंगी और 1 से 5 अप्रैल के बीच में विश्वविद्यालय अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। तो सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, जैसे भी विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा स्कीम जारी करता है बीए बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे और आप गुमराह ना हो। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देख लिया करिए, 1-1.5 मिनट का वीडियो देखने से कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।